गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे चयनात्मक स्वास्थ्य, और जिसके अंतर्गत हमने आपको समिष्टि का आकार तथा लिंगानुपात के बारे में, आज उसी के आगे हमारी आज की कड़ी है जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम और इसके दुष्परिणाम। जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम जिसे हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम क्या हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ना हमारे देश में ये दुष्परिणाम है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक भी है, जैसे बेरोजगारी का बढ़ना, भूमि का घटना और शिक्षा व्यवस्था की समस्या का कम होना, खाद्य आपूर्ति की समस्या का उत्पन्न होना और स्वास्थ्य सेवाओं चिकित्सा की सेवाओं का कम होना, तो ये सब क्या है, दुष्परिणाम है किसके, बढ़ती हुई जनसंख्या के। अब देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे लिए जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वे सारे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। जो नौकरियाँ हैं वह हमारे लिए कम पड़ जाएंगी। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है, भ्रष्टाचार की समस्या फैली हुई है, ये किसके कारण है, ये सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। जनसंख्या विस्फोट कोई विस्फोट नहीं है कि कोई बम सा फूटे, जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये है कि ये जब सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी उसे ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि कितना करप्शन फैला हुआ है, कितना भ्रष्टाचार फैला है, और भ्रष्टाचार की वजह से बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है, और इस तरीके से ये सब समस्याएं ही हमारी जनसंख्या विस्फोट कहलाती हैं। तो बच्चों इसमें लिख लीजिए, जनसंख्या विस्फोट में लिखें किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना जहां खाद्य पदार्थ की कमी, जहां खाद्य पदार्थ की कमी, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, ये सभी उत्पन्न हो जाएं, ये सभी उत्पन्न हो जाएं, तो जनसंख्या विस्फोट कहलाती हैं, तो जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। तो समझ में आया बच्चों, ये जनसंख्या, तो जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि परिवार को नियोजित करके, परिवार छोटा करके। परिवार जब छोटा होगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग डालिए, फिर लाइन एक लिखेंगे अगले पैराग्राफ से। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न
हो रही हैं। नंबर एक शिक्षा व्यवस्था की समस्या, हेडिंग डालेंगे शिक्षा व्यवस्था की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। देखिए शिक्षा व्यवस्था की समस्या किस प्रकार से उत्पन्न होती है, आप समझ ही रहे होंगे कि अच्छे जब जनसंख्या बढ़ोतरी होगी तो जिसके पास क्या है आमदनी का स्रोत कम होगा तो वह अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, ये भी सबसे बड़ी एक समस्या है। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे शिक्षण संस्थाएं कम होने से, शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी, शिक्षण संस्थाएं संस्थान कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण, बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। जैसे विद्यालय के कमरे कौमा फर्नीचर कौमा खेल मैदान आदि बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है, आदि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों आपने यहाँ पर समझा, क्या समझा कि जैसे आज भी आप देखते हैं कि जैसे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं तो वहाँ पर अगर कोई अपने बच्चे को डालना चाहता है तो वहाँ पर सीटें क्या हैं, सीमित हैं, यानी कि स्कूल में उतनी सीटें नहीं है तो वे पर्याप्त बच्चों को ही लेते हैं, और अधिक जब बच्चों की संख्या आ जाती है तो वहाँ पर मना हो जाता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ऐसा होता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या में लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, रोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो आपने देखा कि जहाँ पर किसी विभाग में पद 10 खाली हैं वहाँ पर 10 लाख लोग पहुँच रहे हैं, तो ये क्या है, बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या। तीसरी हेडिंग डालेंगे खाद आपूर्ति की समस्या, खाद आपूर्ति की समस्या, खाद आपूर्ति की समस्या। खाद आपूर्ति की समस्या क्या है, यानी कि जनसंख्या के वृद्धि के अनुपात में, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिससे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अब देखिए कि खाद आपूर्ति की समस्या कैसे हो गई, खाद आपूर्ति की समस्या इसलिए हो गई कि जो हमारे देश में धनी लोग हैं उन्होंने अच्छे अच्छे पोषण वाली वस्तुओं को खरीद लिया, जो उनके बच्चे हैं वह अच्छा भोजन प्राप्त कर रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लेकिन जो गरीब स्तर के बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं।
ये सब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ऐसा है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है और वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, अच्छा पोषण नहीं दे सकते, इसलिए उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये भी जनसंख्या के में आता है, खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, देखिए इसमें लिखेंगे कि परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल ना होने से वे बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं इसी कारण हमारे देश में अस्पताल की संख्या कम होने के साथ साथ उनमें पर्याप्त औषधि उत्पन्न नहीं हो रही है तो बच्चों आपने क्या समझा इसमें कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अस्पताल कम है और मरीज ज़्यादा हैं। कैसे? क्योंकि जनसंख्या अधिक है, डॉक्टर्स कम हैं और मरीजों की संख्या अधिक है। 100 मरीजों में एक डॉक्टर उनकी सेवा कर रहा है। अब आप इसी समय देख लीजिए कि कोरोना का समय चल रहा है, बहुत से लोग कोरोना से ग्रसित हैं और उनकी सेवा करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वे क्या हैं, कम हैं। तो ये किसके कारण है? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। यदि ये जनसंख्या में 50 होते और उनके ऊपर डॉक्टर 10 होते तो वे उनकी अच्छी सी देखभाल कर लेते, लेकिन यहाँ पर बीमार कितने हैं? 200। उनको देखने वाला कितना डॉक्टर है? सिर्फ 1। और पर्याप्त औषधि भी नहीं है, क्योंकि जो धनी लोग हैं वे उन्हें जल्द से खरीद लेते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें नहीं। और भ्रष्टाचार के कारण लोग पैसे कमाने के कारण दवाओं को बेच देते हैं जो सरकारी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाती है। तो ये भी सब क्या है? समस्या है। इसकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की। और इसके बाद सबसे एंड में समस्या आती है निर्धनता यानी कि गरीबी। गरीबी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। किस कारण है? क्योंकि जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, उसके पास रोजगार नहीं होता है, तो धीरे धीरे जो पर्याप्त उसके पास धन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खर्च हो जाता है और जैसे वह निर्धन होता चला जाता है। वह अच्छे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छा पोषण नहीं दे सकता, अच्छे वस्त्रों को नहीं पहना सकता, ये सब निर्धनता के कारण ही होता है। इसमें लिखिए जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनसंख्या विस्फोट है वह क्या है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या है, रोजगार की समस्या है, खाद्य आपूर्ति की समस्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य की समस्या है और निर्धनता की समस्या है। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होने से ही क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट। तो इसके आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे कि जनसंख्या रोकने के कारण या भ्रष्टाचार, ये सब रोकने के कारण सबसे बड़ा उसका जो
प्रोग्राम है वो है परिवार नियोजन, यानी कि परिवार को नियोजित करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसके आगे का भाग आपको पढ़ाएंगे।